बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफ़क अहमद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़े ईमान में रखे, आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन ब्लैक पेपर कड़ी। तो चलिए फिर बनाते हैं मटन ब्लैक पेपर कड़ी। पैन हमारा गर्म है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको 2 मिनट तक प्याजों को पकाया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटन। मटन को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ। अच्छा जी, मटन को हमने 3 से 4 मिनट पकाया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले। इनको भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे कि बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। इसको अब आपने टमाटरों के साथ थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लें और टमाटरों के साथ भून लें। ताकि ये जो हमारे टमाटर है अभी थोड़े से खड़े खड़े हैं, ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाने चाहिए। अच्छा जी, हमने इसको टमाटरों के साथ बहुत अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे दही के साथ। अच्छे से दही इसके अंदर ऐड कर हम इसको भूनेंगे। फ्लेम को कर देंगे स्लो और हम अब हम इसको भुनाई कर देंगे इस तरीके से। इसको भी आप तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको भूनते हुए। अच्छा जी, देखें ये दही के साथ बहुत अच्छे से भून चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 लीटर पानी इस तरीके से। पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई ताकि ये जो हमारा ये पानी है इसके अंदर उबाल आ जाए। इसके अंदर जब उबाल आएगा तो मैं इसका फ्लेम कर दूंगी स्लो उबाल आने के बाद। और हम इसको पकाएंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में हमारा मटन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। तो पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इस तरह से ही हमें चाहिए ये मटन कड़ी, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और इसको ग्रेवी रखना है तो ग्रेवी रख ले, मैं इस तरह थोड़ी शोरबे में रखूँगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो भी टेंडर हो चुका है और ये रेडी है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। बहुत टेस्टी मज़ेदार ये हमारी जो मटन ब्लैक पेपर कड़ी है, सालन है, शोरबा है, जो भी है, ये रेडी हो गया है। और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।